गया था भागलपुर से, मैं वापस डीएम में गाड़ी पकड़ कर आ रहा हूँ। 12:25 की ट्रेन है। भागलपुर को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है, रेलवे स्टेशन को। लॉकडाउन में काम हुआ है बहुत बढ़िया, बहुत सी ट्रेनें चालू हो गई हैं। भागलपुर से खुलती हैं यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें, लेकिन किराया जो है बहुत ज़्यादा कोविड बढ़ में भी गया। है। 19 की वजह से गाड़ियों में भीड़ नहीं के बराबर है। मेरे क्लाइंट का पार्सल था जो अमेरिका से, दो पेंटिंग का ऑर्डर था, मैं उसको मैं कोरियर करके आ रहा हूँ। गाड़ी खुल चुकी है, बाएं हाथ पे ये जम्मू की गाड़ी है और एक गाड़ी दाहिने हाथ पे खड़ी है जो आपका अजमेर के लिए है, भागलपुर टू अजमेर। बिल्कुल साफ़ सुथरा स्टेशन है भागलपुर जंक्शन, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से खुलती हैं। मौसम जो है आज थोड़ी 10 मिनट के लिए बारिश हुई थी। शहबाज शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है ये, और ये मस्जिद है, खूबसूरत सी मस्जिद, खानका है इसके अंदर। ये तातारपुर का एरिया है, भागलपुर बिहार इंडिया में पड़ता है ये। इंडिया की तस्वीर, इंडिया का रेल। मैं निकल गया हूँ भागलपुर से अपने घर की तरफ। ये दाहिने हाथ पर मुस्लिम कॉलेज आने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद भागलपुर जाना हुआ। अब हम नाथनगर की तरफ बढ़ चुके हैं, अगला स्टेशन नाथनगर आने वाला है। ये जो आप दाहिने हाथ पर देख रहे हैं ये कबीरपुर है, और बाएं हाथ पर भी एक मोहल्ला है, वो भी कबीरपुर के नाम से जाना जाता है। एक पुरानी है एक नई है। तो ये दाहिने हाथ वाली ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पुरानी कबीरपुर है, बड़ा सा मोहल्ला है मुसलमानों का, तीन चार मस्जिदें हैं यहाँ पर। और आगे हम दिखाएंगे जैन टेंपल, ये छोटी सी कब्रिस्तान है, ठीक कब्रिस्तान के बगल में आप देख रहे हैं ये जैन टेंपल। जैन समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत ये फेमस है नाथनगर जैन मंदिर के नाम से, और जैन समाज के नागा साधु ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं। एक जत्था सा आता है इस मंदिर के लिए। ये दूसरी ट्रेन आ रही है, मालगाड़ी है ये। अब हम नाथनगर पहुंचने वाले हैं। नाथनगर रेशम उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। यहाँ से वस्त्र जो है, रेशमी वस्त्र, कोटा, खादी और कई तरह के रेशमी साड़ी, रेशमी सूट यहाँ से विदेश तक निर्यात होती है। और बिहार सरकार की तरफ से एग्जीबिशन लगाई जाती है, और पूरे इंडिया में जो है एग्जीबिशन लगता है। यहाँ से कारीगर जो है, रेशमी वस्त्र के कारीगर जो हैं, वो अपना अपना एग्जीबिशन लगाते हैं इंडिया के कोने कोने में।
गाड़ी अब खुल चुकी है नाथनगर से। अब हम देख पा रहे हैं दाहिने हाथ पर सुखराज राय हाई स्कूल है, बहुत पुराना बना हुआ है। आगे हम देखेंगे बालिका उच्च स्तरीय स्कूल। ये स्कूल जो है इंटर तक है, यानी 11वीं तक का है स्कूल ये। बालिकाओं के लिए ये स्कूल है, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये स्कूल बालिका उच्च विद्यालय बालिकाओं के लिए है, इंटर स्कूल है। 11वीं तक पढ़ाई होती है इसमें। अगला स्टेशन मुरारपुर आने वाला है। मुरारपुर से दूध, मुरारपुर अकबरनगर से दूध भागलपुर के लिए सप्लाई होता है। मिठाई की दुकानों पर लोग जाते हैं, दूध बेचते हैं। ये चंपा नाला ब्रिज है, बहुत पुराना ब्रिज है ब्रिटिश टाइम के, और ये कुछ नया ब्रिज बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर क्रेन वगैरह आप देख रहे हैं, भैंस भैंसे देखिए पूरी झुंड है यहाँ। कभी आप भी आइए हमारे बिहार, बिहार दर्शन के लिए आइए। बहुत हरा भरा है ये प्रदेश, हालांकि यहाँ तो ज़्यादातर खेती पर निर्भर करते हैं लोग, और कुछ लोग जो है बाहर कमाने के लिए जाते हैं। ये ब्रिज आपने देखा, ये हाईवे बनाया गया है अभी नया, और ये हाईवे जो है भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी साहेबगंज तक को जोड़ता है। आम का पेड़ देख रहे हैं, इसमें आम आ चुका है, 15 से 20 दिन के अंदर आम पक जाएगा बाजार में। मुरारपुर स्टेशन आ गया है। यहाँ का आम जो है वो मालदे आम, बहुत मीठा और स्वादिष्ट आम है। इस आम को बॉम्बे में लंगड़ा आम के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन बॉम्बे का जो लंगड़ा आम मिलता है वो इसके मुकाबले बहुत ही कम है, छोटा साइज होता है, या बड़े बड़े साइज में मिलते हैं। ये मालदे आम कहते हैं इसे, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मुरारपुर स्टेशन है ये। मुरारपुर के बाद अकबरनगर है, बीच में एक हॉल्ट है छीट मकनपुर, वहाँ अभी गाड़ियों का रुकना बंद कर दिया गया है। अब यहाँ से खुलने के बाद सीधा अकबरनगर पहुँचेगी। अकबरनगर, जैसा कि अकबरनगर आप सुन पा रहे हैं, अकबर बादशाह वहाँ पर आए थे, कुछ देर आराम किए थे, और उन्हीं के नाम से अकबरनगर पड़ा है। ये अकबरनगर अब आने वाला है। ये रेलवे क्रॉसिंग हम पार कर रहे हैं। अब अगला स्टॉपेज अकबरनगर का ये शिव मंदिर है। यहाँ हर साल शिव पार्वती की शादी होती है। आइए अब हम उतरने के लिए तैयार हैं। ये दाहिने हाथ पर जो ये पहला घर देख रहे हैं, ये मेरा घर है, और मेरे घर के बगल में मेरे भाई का घर है।